सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एक भ्रम लोगों ने पाल रखा था, पप्पू हैं संसद में, प्राइम मिनिस्टर ने बालक बुद्धि कहा, नाम तो नहीं लिया लेकिन देश ने समझा। आज उसके चचा ने, सैम पित्रोदा ने कहा कि ये मेरा बेटा पप्पू नहीं है, और उसने कह दिया कि इस पप्पू से हम पूरे भारत को तबाह करेंगे। ये तुम देखते हो। मिस्टर गांधी, राहुल गांधीज एजेंडा इज टू रियली एड्रेस सम ऑफ दिस लार्जर इश्यूज। ही हैज अ विजन कॉन्ट्ररी टू व्हाट बीजेपी प्रमोट्स बाय स्पेंडिंग करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज। आई मस्ट टेल यू ही इज नो पप्पू, ही इज हाईली एजुकेटेड, he is well read, he is a strategist with deep thinking on any subject. खैर ये कह रहा है डीप थिंकिंग करने वाला है, लेकिन ये देश समझ रहा है कि कितना डीप थिंकिंग करने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो जहर इसने उगला है सर, वहां से शुरू करते हैं तब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। किस स्तर तक गया चीनी दलाली में, और अब कुछ कहने को रह नहीं गया। आप कह रहे हैं कि क्या खाता पीता है, लेकिन सुनिए जरा सा इसको। क्लियर, नॉट एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके, द वेस्ट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंडिया हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बट देयर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट डोंट रियली हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। चाइना सर्टेनली डजंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, वियतनाम डजंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. ये ऐसी बातें कर रहा है, चीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वियतनाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चीन के एजेंडे पर, चीन के पैसे पर सब कुछ तैयार हुआ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके बाप दादा ने सरकार ही नहीं चलाई, सब कुछ इसी ने किया। ये बात अरविंद केजरीवाल विदेश में जाकर कहे तो समझ में आता है, वामपंथी पार्टी कहे तो समझ में आता है। ये कांग्रेस का नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, इसके मां ने 10 साल तक मनमोहनी सरकार चलाई, इसके बाप ने चलाया, दादी ने चलाई, परनाना ने चलाया, और ऐसा नैरेटिव। मरीज जी उस पर अभी ये जो आप सामने दिखा रहे हैं, ये कह रहा है कि चीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की, और चीन पूरी तरह से मुक्त है उस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से। तो जरा वो जो पहले, इससे पहले वाली जो दिखा रहे थे वो दिखाइए, फिर इस पे आते हैं हम लोग बाद में। वो और ये ताजा खबर है, यानी इसी साल की जुलाई की, यानी इससे इतनी जल्दी तत्काल तो आती नहीं। तो अभी हम लोग सितंबर में चल रहे हैं, अगस्त की वाई की रिपोर्ट कि चाइनाज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सोर्स अबाउट 70% इन जुलाई, हाईएस्ट सिंस न्यू सिस्टम बिगैन इन दिसंबर, यानी जब से वहां नया सिस्टम, उनके एक छटपटाहट है कि हम कैसे बेरोजगारी से लड़े। तो चाइना में 17% पे अनएम्प्लॉयमेंट है। जरा ये देखिए कि ये इसको कह रहा है कि चीन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और जिस भारत को कोस रहा है, जिस भारत को अपमानित कर रहा है, लांछित कर रहा है। अब जरा मनीष जी बगल वाली दिखा दीजिए कि बगल में भारत की क्या स्थिति, इसी जुलाई महीने में भारत की स्थिति क्या है, जरा वो भी दर्शक देख लें। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल 1.3 percentage points इन जुलाई एमिड अपटिक इन हायरिंग। और जरा नीचे वाली लाइन में थोड़ा बड़ा कर दिए, नीचे वाली पढ़ दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट, उसी हेडिंग के नीचे है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 7.9% इन जुलाई, डाउन फ्रॉम 9.2% रिपोर्टेड इन प्रीवियस मंथ, यानी जो है जून में जो 9.2% थी वो घटकर जो है 1.3 वो अब आ गई है 7.9% पे, यानी जुलाई में जहां जब यहाँ 7.9% था तब चाइना में 17% था, यानी यहाँ हिंदुस्तान से वो 9% दुगुना था एक तरह से। अगर आप 8 मान लीजिए तो 8 × 16 होता है 7.9 को, तो वो 16 से आगे 17% था। लेकिन ये धूर्त आदमी ये वहां पर बैठ के चाइना की दलाली कर रहा था, चाइना की एजेंटी कर रहा था, चाइना के गुण गा रहा था, और भारत को कोस रहा था कि भारत में भयंकर समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जो मैंने लिखा है मनीष जी वो कोई अनायास नहीं लिखा है, कोई गुस्से में नहीं लिखा है कि ये वास्तव में क्या खाता है, क्या पीता है और क्या सूंघता है। और उसके बाद जब ये बयान जारी करता है
तो इसको जरा इसके जो चाटुकार हैं, जो चमचे हैं, वो जो दलाल हैं, उनको एक बार इसको जरा फिर से समझाना चाहिए कि कम से कम पढ़ लिख कर तो बोला करे, ये पढ़ लेता, जान लेता कि क्या स्थिति है और अनएम्प्लॉयमेंट की अब चाइना में क्या स्थिति है। लेकिन इसको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसका पढ़ने लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। ये बताया ना, मैं कुछ खाता पीता सूंघता और उसके बाद ये देने लगता बयान। ये सामने मनीष जी इसका जो ये एक तरह से नग्न हो रहा है, ये देखिए कि सामने है कि ये 17% को बता रहा है कि वहां कोई समस्या ही नहीं है और यहाँ पे 7.9% है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको ये बता रहा है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, मतलब भारत एकदम तबाह हुआ जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये इसको, ये दलाल इसी को कहते हैं, एजेंट इसी को कहते हैं, और ये चीन की दलाली इतनी क्यों कर रहा है, और वो भी अमेरिका की जगह। मनीष जी इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा मैं दर्शकों को संक्षेप में समझा दूं कि अमेरिका में भी चाइनीज बड़ी मात्रा में है और चाइनीज वोटर है वहां पर, और वो एक तरह से उसकी उसका समर्थन करते हैं जो बाइडेन बुड्ढे का, अब वो हैरिस का करेंगे। तो एक तरह से वहां पर चाइना के लिए वो जमीन ठीक करने गया था अमेरिका में, और इसने पहले दिन ही इस बात को पूरी तरह क्लियर कर दिया कि ये चीन के दलाल बन के ये अमेरिका गया है कि चीन की वहां छवि सुधारी जाए, चीन को बेहतर राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और उसको अमेरिका से भी बेहतर ये बता गया। चमचागिरी में करते करते इसने कहा कि अमेरिका भी जूझ रहा है बेरोजगारी से, लेकिन चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, तो ये चीन को बता रहा था कि चीन सबसे बेहतर है। और इसको मनीष जी कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। आज जब इसने कहा कि चीन जो है वहां पर कोई बेरोजगारी नहीं है, वो सब बहुत बढ़िया है, हालांकि असलियत क्या है, ये मैंने अभी आपको खबर दिखा दी, ये जुलाई महीने की इसकी खबर थी कि जुलाई में 17% वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन क्या ये चाहता कि हिंदुस्तान को चीन बना दिया जाए? ये संविधान की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। अरे राहुल गांधी, अगर ये चीन हो गया होता हिंदुस्तान, या चीन के हिसाब से चल रहा होता, तो तुम कहीं चौराहे पे उल्टे लटके मिलते? जो करतूतें तुम कर रहे हो, जो देश के खिलाफ तुम हरकतें कर रहे हो, इतनी तुमको छूट ना मिली होती, तुमको बहुत पहले टांग के कहीं चौराहे पे उल्टा लटका दिया जाता और कोई तुम्हारे लिए बोलने ना आता, ये जितने यूट्यूब पर नाचा करते हैं। तो उस चीन से तुम बात करो, जो जिस चीन का संस्थापक या एक तरह से उनका फादर है, वो फादर ऑफ द नेशन कह सकते हैं, जिसका नाम माओसे तुंग था, उस पर दुनिया कहती थी कि इसने 5-6 करोड़ लोगों की हत्याएं कराई, और वो बड़े गर्व से कहता था, वो बड़े गर्व से कहता था कि नहीं, ये दुनिया झूठ बोलती है, हमने 5 करोड़ लोगों की नहीं, हमने 2-3 करोड़ लोगों के बीच में लोगों को मारा है, और उसके बाद ये अपनी स्वतंत्रता पाई है। तो वो 3 करोड़ लोगों का हत्यारा चीन, वो हमारी जमीन छीन लेने वाला चीन, उस चीन के ये कैसा गुलामी कर रहा है, कैसी दलाली कर रहा है, ये वीडियो भी है, और उसके बाद वो जो खबर है वो अपने आप में बता रहा है मनीष जी कि ये आदमी पूरी तरह से भारत विरोधी हो चुका है, और ये चीन के हाथों में खेल रहा है, चीन की दलाली में लगा है, अन्यथा दलाल ही ये काम कर सकता है कि एक दिन को रात और रात को दिन बता के बेचने की कोशिश करे, और वो भी अमेरिका की मंडी में बैठ के। तो ये केवल एक दलाल कर सकता है, और ये चीन के दलाल की तरह ही अमेरिका में घूम रहा है। और इसका चाचा तो गंगाराम कह रहा है कि ये पप्पू नहीं है, ये तो वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मैच्योर है, ये मैच्योरिटी का लेवल है इसका। हाँ मनीष जी, उस वो जो गंगाराम ने बात कही, उस बात पर तो बड़ी, वो तो बात से बात निकलती है कि गंगाराम ने जो बात कही उसने इसके पूरे अमेरिका दौरे की धज्जियां उड़ा दी मनीष जी। ये सबसे खास बात है, ये इस पर किसी को ध्यान नहीं दे रहा होगा कि ये यहां से गया कि हम तो फलाने स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है, अब बुलाया है कि नहीं बुलाया भगवान जाने, लेकिन ये बना के तमाशा गया कि ये वहां पे इसको बुलाया जा रहा है और वहां पे लोग इससे मिलना चाहते हैं, और जो लोग इससे मिलना चाहते थे वही तो वहां बैठे थे हाल में, 100-200-500 जो लोग बैठे होंगे, 500 से ज्यादा भीड़ नहीं थी, जो हाल दिख रहा है वो 500 से भी कम लोगों का है। तो ये 500 लोगों से मिलने अमरीका चला गया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा इनडेप्थ है, इसकी जानकारी है, और ये पप्पू नहीं है। वहां पर जिस हिसाब से, जरा मैं तो कहूंगा एक बार जरा दोबारा दिखा दीजिए कि जिस हिसाब से वो दिखा रहा बोल रहा है गंगाराम बढ़ई, ये सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, ये बहुत पढ़े लिखे है, फलाना ढिमाका है, तो वो लोग इस आदमी से परिचित तक नहीं है, वो किराए के बुलाए गए लोग हैं। ये उसका जरा टोन देखिएगा, मैं दर्शकों से कहूंगा अभी मनीष जी आपको दिखाएंगे, जरा दोबारा देख लीजिए, कुछ सेकंड की उसकी क्लिप है, जरा देखिएगा उसका टोन। राहुल गांधी एजेंडा इज टू रियली एड्रेस सम ऑफ दिस लार्जर इश्यूज, ही हैज अ विजन कॉन्ट्ररी टू व्हाट बीजेपी प्रमोट्स बाय स्पेंडिंग करोड़ and crores of rupees. I must tell you, he is no papu.
He's highly educated. He's well read. He's a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy, hoping that we will all work together. हाँ ये तो अब आप देख लीजिए इसको वहां परिचय देना पड़ रहा है कि बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा काबिल है, इसको ज्ञान है, तो इसका मतलब वहां जो लोग बैठे थे उनको भी नहीं मालूम, वो भी कहीं किराए के बुलाए गए थे कि आओ पैसा लेके आ जाओ, उनको दिए होंगे $100-200। और ये है इसकी असलियत। तो गंगाराम जब इसकी तारीफ कर रहा था तो गंगाराम इसकी तारीफ नहीं कर रहा था, गंगाराम मेरे हिसाब से, तो मेरे ऐसा अगर देखने वाला हो तो गंगाराम इसके कपड़े उतार रहा था कि देखो इसको अभी 500 लोग जो बुलाए हैं वो भी इसको नहीं जानते, उसको भी गंगाराम को बताने की जरूरत पड़ी कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है।